शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती सुदेश आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। कल हमने कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने ई, ऊ और ऊ की मात्राएं की थी, और आज हम पढ़ेंगे री, ए और ए की मात्राएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के उप विषय की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे रे की मात्रा। ये होती है बच्चों री, ठीक है, इस तरह से री लिखी जाती है, और ये होती है रे की मात्रा। ऊ की मात्रा की तरह ही रे की मात्रा को भी हम वर्ण के नीचे प्रयोग करते हैं। देखिए रे की मात्रा से कैसे हम शब्द बनाएंगे, कैसे रे की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, ये है हमारी रे की मात्रा। देखिए सबसे पहले है म जमा रे की मात्रा जमा ग, तो बन गया मृग, जिसको हम हिरण बुलाते हैं। व जमा रे की मात्रा जमा श जमा भ, तो ये बन गया वृषभ। यहाँ देखिए ये तस्वीर में घर दिखाया गया है और यहाँ लिखा है ग री ह गृह। हम घर को क्या बुलाते हैं? गृह। इंग्लिश में इसको होम भी कहते हैं। आगे देखिए बच्चों म आ त और री मातृ, ठीक है, और इसको हिंदी में हम मदर कहते हैं, माँ जो होती है मातृ, ठीक है। आगे है व री और क्ष वृक्ष, ये क्या है? वृक्ष, जिसको हम पेड़ बुलाते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्री। आगे है देखिए री की मात्रा नीचे लगाई हुई है त री ण तृण, जिसको हम घास बुलाते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ग्रास। आगे है बच्चों ह, और ह के देखो अंदर री का इस्तेमाल किया हुआ है, ह री द और य हृदय, जिसको हम बुलाते हैं दिल जो होता है हार्ट। आगे है क री श और अण आ कृष्णा, जिसको हम बुलाते हैं लॉर्ड कृष्णा, यानी कि कृष्ण भगवान। आगे है बच्चों न री प नृप, जिसको हम बुलाते हैं राजा, यानी कि इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं किंग नृप। आगे है बच्चों म री द आ मृदा, यानी कि मिट्टी, बताइए आपको मिट्टी का, तो इंग्लिश में बुलाते हैं सॉइल। अब हम करेंगे ए की मात्रा, ये होता है हमारा ए और ये होती है ए की मात्रा, जो कि वन के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे बनाए गए हैं शब्द, क जमा यो ए की मात्रा, क जमा ए के, ऐसे ही म जमा ए में, ट जमा ए ते, फ जमा ए फे। आगे देखिए बच्चों ये तस्वीर में दिखाई गई है शेर, श ए जमा र, तो बन गया शेर। नीचे देखिए तस्वीर में क्या है, सब्जी है जो हम खाते हैं, क जमा र ए जमा ल आ करेला, क र ए ल आ करेला, तो बन गया करेला। आगे देखिए तस्वीर में क्या दिखाया गया है, रेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी,
रे ल गा डी बन गया रेलगाड़ी। तो आगे देखिए, जो हम मंदिर जो हमारे होते हैं जिसको हम कहते हैं देवालय, दे वा ल य देवालय। आगे देखिए बच्चों, ये सब क्या हैं, क्लॉथ्स कपड़े, क प ड ए कपड़े। नीचे देखो तस्वीर में देख के हमें नाम पढ़ना है, यहाँ पर क्या है, स ए न आ सेना, क ए ल आ केला, र ए श म रेशम, नीचे है म ए ड क मेंढक, प ए ड पेड़। आगे देखिए कुछ मिलते जुलते शब्द लिखे हुए हैं, तुक वाले शब्द जिनको हम बुलाते हैं। तो सबसे पहले है तेल, तेल मेल खेल, स है न ए सहने, तो इसका तुक वाला शब्द लिखा हुआ है रहने, आमने और इसके हैं सामने, गहने बहने, मेरी तेरी चेला सॉरी खेला चेला, ये सब थे राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द या हम बोला सकते हैं तुक वाले शब्द। आगे आती है हमारी ए की मात्रा, ये हमारा ए होता है और ये होती है ए की मात्रा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ए की मात्रा कैसे इस्तेमाल की हुई है, प जमा ए प, ब जमा ए ब, ग जमा ए ग। तो यहाँ पर देखिए प ए र क्या बन गया, पैर। आगे देखिए बैल, बैल कै दी कैदी। आगे है बच्चों माँ के ऊपर जो मात्रा यूज की है, इसकी ये दो मात्राएं होती हैं, मैं जमा ना मैं ना, थे जमा ला थैला। अब हमें ये आपस में मिलाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो देखिए पहली तस्वीर में क्या दिखाया गया है, नाव जिसको हम नया भी बुलाते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिलाएंगे नया के साथ। अगली तस्वीर में क्या दिखाया गया है, देखो जाली के अंदर ऐसे नेट में बनाया गया है, देखो कोई आदमी है तो ये क्या होती है, जेल होती है, जेल के अंदर कौन होते हैं, कैदी, यानी कि कैदी, ये जो कैद होती है इसमें कैदी। आगे है पानी में कोई नहा रहा है, यानी कि पानी में तैर रहे हैं, तो ये होते हैं तैराक। फिर आगे है बैल गाड़ी, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, और कल की तरह ही आप इन तीनों मात्राओं से पांच पांच शब्द अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक कार्यपत्रिका दूंगी जिसको आपको हल करना है, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।